हाथ आदि। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ मथुरा से वृंदावन जाने वाले रास्ते पर, जो नेशनल हाईवे के थोड़ी ही दूर पर पड़ता है, जिसका नाम है छठीकरा। छठीकरा में मौजूद एक मंदिर है जिसे माँ वैष्णो देवी धाम बोला जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ब्रिज के दर्शन करने को मिलते हैं, और इतने कम उम्र में मैं यहाँ पर विजिट कर पाई, माता के दर्शन कर पाई और आप लोगों को भी यहाँ तक लेकर आ पाई, इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो माँ वैष्णो देवी धाम के अंदर की वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि COVID-19 की वजह से कुछ ऐसी सिक्योरिटी है जिस वजह से आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पर अगर इस मंदिर की खासियत मैं आपको बताऊँ तो आइए आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है माँ वैष्णो देवी धाम, इसका निर्माण 27 नवंबर 2004 से प्रारंभ हुआ और 20 मई 2010 में संपन्न हुआ। माँ वैष्णो देवी धाम का उद्घाटन 22 मई 2010 में राज्यसभा सांसद श्री डॉक्टर करण सिंह द्वारा किया गया। माँ वैष्णो देवी मूर्ति की जो ऊंचाई है, जो आप पीछे देख सकते हैं, वो धरातल से 141 फुट है और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा वर्ष 2013 में भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सम्मानित भी किया गया। आपको अगर बता दें, नवरात्रों का जो समय होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो समय एक ऐसा समय होता है जहां इस धाम पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। आप देख सकते हैं धरातल से 141 फुट की ये मूर्ति आपको शायद ही भारत में कहीं और देखने को मिलेगी। पर आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब हर चीज़ की यहाँ पर सुविधाएं मौजूद हैं। अगर आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको जूते चप्पल रखने का लॉकर मिलेगा, उसके बाद आपके जूते चप्पल रखवाने के बाद अंदर एंट्री होगी सिक्योर तरीके से, उसके बाद वहाँ पर आपको टिकट लेनी होगी और अपना जितना भी सामान है, बेल्ट, चमड़ा और फ़ोन, हर तरीके की टेक्नोलॉजी वाले सामान, टेक्निकल सामान आपको अंदर अपने अगर आपको बताएं तो यहाँ लॉकर रूम्स में रखवा दिए जाएंगे। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं और गुफा के द्वारा रास्ता है, आप गुफा के अंदर से जाएंगे, जिस गुफा के अंदर, जो गुफा बेहद ही अंधेरे उसमें बनाई हुई है और उसके अंदर पूरी 9 मूर्तियाँ 9 देवियाँ मौजूद है। बेहद ही शक्तिशाली इन माता को माना जाता है। जो एक बार यहाँ आता है, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है जो यहाँ के दर्शन करता है। आप अगर मथुरा आते हैं और कभी भी मथुरा ब्रिज विजिट करते हैं या वृंदावन आते हैं, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इस धाम में ज़रूर आएं, इस वैष्णो देवी धाम पर विजिट करें। और यहाँ छठीकरा वृंदावन रोड, वृंदावन जिला मथुरा में ये अवेलेबल है। इसका जो विजिटिंग टाइम्स हैं वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक का भी है और इवनिंग में जो दर्शन का टाइम है वो 4 से 8 बजे का है। तो अगर आप प्रातकालीन आते हैं तो 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आएँ, और अगर आप इवनिंग में आते हैं तो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक आएँ। आप देख सकते हैं ये जितना भी एरिया है, ये सिक्योर्ड एरिया है जहाँ पर लॉकर रूम्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपके कपड़े, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके कपड़ों में जो बेल्ट इत्यादि चमड़े की चीज़ें हैं, आपके फ़ोन, ये सारी चीज़ें यहाँ रखवा ली जाएंगी। सिक्योर जगह है, COVID-19 के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, और उसके अलावा सिक्योरिटी मौजूद है अंदर भी बाहर भी। महिलाओं के लिए अलग सिक्योरिटी है और जो जेंट्स हैं उनके लिए अलग सिक्योरिटी है। यहाँ से ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट से अंदर जाने के बाद गुफा के जरिए आप माता के दर्शन के लिए अंदर जाते हैं।